पता है, कई सारी रिलेशनशिप हमारी ऐसी भी होती हैं जिसमें अगर सामने वाले पर्सन का मूड खराब हो ना, उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें उसका स्ट्रेस होने लग जाता है। हमें ऐसा लगता है, अरे यार मैं ऐसा क्या करूं जो इसका स्ट्रेस कम हो, इसका मूड सही हो, और हम सब कुछ करने लग जाते हैं, माइक्रो मैनेज करने लग जाते हैं ताकि यार उसको शांति मिले। उसको शांति मिलती है ना, तब जाके हमें शांति मिलती है और हमारा मूड सही रहता है। तो एक्चुअली इस टाइप की रिलेशनशिप कहलाती है कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप। Hi guys, thank you for stopping by, thank you for stepping in into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. So keep on doing your inner work. आज इस co-regulation में, cooperation में, co-creation में एक और को जोड़ देते, that is called codependency. आज बात करते हैं codependency के ऊपर कि होती क्या है। First of all जानते हैं codependency होती क्या है। हम हमारी emotional state जो है दूसरों के ऊपर निर्भर कर देते हैं, या फिर दूसरों को जैसा फील होता है, जैसी उनकी इमोशनल स्टेट होती है ना, उसके ऊपर हमारी इमोशनल स्टेट और हमारी आइडेंटिटी टोटली डिपेंड करने लग जाती है अनकॉन्शियसली। ये रिलेशनशिप जो होती है ना, मोस्टली अनस्टेबल रिलेशनशिप होती है, अनहेल्दी रिलेशनशिप होती है, जिसमें एक जो इंसान होता है ना, वो कॉन्स्टेंटली आपसे फेवर ले रहा होता है और मन मर्जी चाहे जो कुछ भी कर रहा होता है वो आपकी परवाह नहीं करता, लेकिन आप जो होते हो वो कॉन्स्टेंटली ओवर गिव करते रहते हो, उनको हेल्प करते रहते हो, नो मैटर व्हाट आप कॉन्स्टेंटली उनको फीड करते रहते हो। ऐसे रिलेशनशिप कहलाती है कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप। इन कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप की स्टार्टिंग होती है हमारे चाइल्डहुड से। अगर आपने मेरे लास्ट वाले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें शेयर किया था कि जब हम छोटे होते हैं ना, तो दो बेसिक हमारी है ना नीड होती है, या फिर दो बेसिक चीज़ें हमारे साथ होती है। एक होता है हमारी ऑथेंटिसिटी और एक होती है हमारा कनेक्शन। हमें ऑथेंटिसिटी कनेक्शन दोनों ही चाहिए होता है, और दोनों ही हम हमारी उस टाइम की फेज में ना फेस कर रहे होते हैं। ऑथेंटिसिटी, क्योंकि जब तक हम ऑथेंटिक नहीं होंगे और हम चाइल्ड हैं, क्योंकि हम इन्फेंट हैं, तो हम कैसे बताएंगे हमारी क्या नीड है, तो हम तब परवाह नहीं करते, हम रोते बिलखते हैं जैसे भी करके अपने पेरेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो हम ऑथेंटिक है तभी तो ये कर रहे हैं। फिर जब हम ऑथेंटिक होते हैं और हमें कनेक्शन मिलता है तो हमारा सर्वाइवल चलता है। जब हम रोते हैं तो हमें दूध खाना पीना सुसु पोटी सब कुछ हमारा वो संभालते हैं, तो हमें कनेक्शन की भी ज़रूरत है। कनेक्शन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, हमारा सर्वाइवल टोटली उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमारे लिए कनेक्शन मैटर करता है। और जब तक हम ऑथेंटिक नहीं होंगे तो हम कैसे बताएंगे कि हमारी नीड क्या है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम सब कुछ एक्सप्रेस करने लग जाते हैं ना कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, विदाउट थिंकिंग कि उन लोगों को क्या चाहिए, उन लोगों की क्या नीड है। क्योंकि बच्चे होते हैं तो हम जो मर्जी आए एक्सप्रेस कर देते हैं, बिकॉज वी आर ऑथेंटिक बीइंग। सबसे ज्यादा जो है ना एकदम रियल जो है ना हमारा ऑथेंटिक सेल्फ हमारे बचपन में ही होता है। बट हम ये भी देखते हैं कि जब हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स नीड्स को ना, कई बार पेरेंट्स गुस्सा भी हो जाते हैं, एंड गुस्से में ना फिर वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, हमारे ऊपर जो है ना थोड़ा सा ब्लेम गेम या फिर एंगर दिखाते हैं, और जो हमारी नीड्स होती है उनमें से कुछ नीड्स होती है वो फुलफ़िल नहीं करते हैं, तो हमें ये डर रहता है कि यार वो हमारी नीड्स फुलफ़िल करे ताकि हमारा सर्वाइवल बना रहे। तो हम धीरे धीरे अपने ऑथेंटिक सेल्फ को दबाते जाते हैं, हम वो चीज़ें करते हैं जो उन्हें पसंद है ताकि वो हमें फेवर करे और हमारा सर्वाइवल आसान हो जाए, वो हमें अपने ट्राइब में रखें, हमारी प्रॉपर केयर करें और हम सेफ रहें, है ना। सेफ्टी हमारी बेसिक नीड होती है उस टाइम, तो उसके लिए हमें वो कनेक्शन चाहिए होता है, जिसके लिए हम हमारी ऑथेंटिसिटी को दबा देते हैं। तो ये चीज़ों की स्टार्टिंग, कोडिपेंडेंसी की स्टार्टिंग ही हमारे चाइल्डहुड में हो जाती है, जहां हमारा ऑथेंटिक सेल्फ दब जाता है, हमारा कोई सेंस ऑफ सेल्फ नहीं है, हमारा कोई भी रियल सेल्फ नहीं है। अब हमें जो कुछ भी चाहिए ना, वो हमें बाहर से चाहिए, है ना, क्योंकि जो हमारे पास नहीं है वो हम दूसरों से सीख करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को प्लीज करने लग जाते हैं, उनको पैम्पर करने लग जाते हैं, वो जैसा चाहते हैं हम वैसा करने लग जाते हैं, सो दैट कि वो हमारी नीड्स को मीट करें, हमें ट्राइब में रखें, हमें वैलिडेट करें कि हाँ तुम अच्छा कर रही हो, जो कि
हमें ज़रूरत होती है, कोई हमें प्रेज़ करे, कोई हमें चाहे, कोई हमसे प्यार करे, तो ये सब करते करते समवेयर हमें इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है। और जब हम बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, तो हम ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं जहाँ पर हम सेम पैटर्न फॉलो कर रहे थे कि हम उनको प्लीज़ करते हैं या फिर उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं इमोशनली, क्योंकि अगर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो वो हमारे लिए डेंजरस है, क्योंकि हमारा तो कोई सेंस ऑफ सेल्फ है नहीं, वही हमें फेवर कर रहे हैं। तो अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है, इट मीन्स कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है ताकि हम उनको शांत कर पाएं। तो इस चीज़ की एक हमें लत लग जाती है, आदत हो जाती है, या फिर अनकॉन्शियस हम पैटर्न कहें, ये सारा कुछ होने लग जाता है। और अगर उन्हें बुरा लगता है तो हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे उनको अच्छा लगे, और जब उन्हें अच्छा लगता है तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि जब उन्हें अच्छा लगता है तो वी आर सेफ, उन्हें अच्छा नहीं लगता तो ऑब्वियसली उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो वो रिएक्ट करेंगे, गुस्सा होंगे, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ बोलेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे वी विल फील अनसेफ, क्योंकि हमारा कोई ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है, क्योंकि हम टोटली डिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम जा तो कहीं सकते नहीं है, कुछ कर तो सकते नहीं है हमारे मन का, क्योंकि हम खुद से कनेक्टेड नहीं है। तो पहली चीज़ होती है खुद से ना हमारा कनेक्शन लूज हो जाता है, लॉस हो जाता है, हम खुद से डिसकनेक्ट हो जाते हैं। तो पहला साइन कोडिपेंडेंसी में आपको देखने को मिलेगा कि लोगों से अगर पूछेंगे ना आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना है लाइफ में, क्या करोगे, तो उनको अपने बारे में ही नहीं पता, दे आर वेरी डिसकनेक्टेड पीपल, उनका खुद का सेंस ऑफ सेल्फ नहीं है। दूसरी चीज़, वो ओवर गिव कर करके इतना खाली हो जाते हैं कि उन्हें हर बात पे गुस्सा आ रहा होता है, रिजेंटफुल हो जाते हैं कि यार वो मेरे लिए नहीं करते, वो मेरे लिए नहीं करते, क्योंकि वो ओवर गिव कर चुके हैं, खुद को खाली कर चुके हैं। रिजेंटमेंट इसका दूसरा साइन होता है। तीसरा है ओवरली हेल्प करना, ओवर सब कुछ करना, ओवर गिव करना, ओवर प्लीज करना, सो दैट कि वो कनेक्शन उनका एनी हाउ मेंटेन रहे, खुद की बाउंड्री का लॉस हो जाता है, क्योंकि जिसका ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है ना, उसकी कोई बाउंड्री भी नहीं है। बाउंड्री किसके इर्द गिर्द होती है? बाउंड्री होती है एक मकान के इर्द गिर्द, वो मकान प्रिशियस चीज है जिसको सेफ गार्ड करने के लिए ना एक बाउंड्री होती है, लेकिन जहां पर जिसका ऑथेंटिक सेल्फ ही नहीं है तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, उसको लोग कुछ भी करवाते हैं, उसको कुछ भी कहते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। इसके अलावा अगर वो जो कोडिपेंडेंट लोग हैं वो अपने लिए कोई स्टेप लेते हैं ना, अपनी सेल्फ केयर करने की कोशिश करते हैं, वो काम करने की कोशिश करते हैं जो वो करना चाहते हैं अपने लिए, तो उन्हें गिल्ट होने लग जाता है, उन्हें समवेयर ऐसा लगने लग जाता है कि यार वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें तो गिव करने की आदत है ना, टेक करने की तो आदत ही नहीं है। तो जब वो सेल्फ केयर करते हैं, अपने लिए सोचते हैं, तो उन्हें गिल्ट होने लग जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट साइन है, उन्हें फियर रहता है कि सामने वाला मुझे छोड़ ना दे, फियर ऑफ अबेंडनमेंट कि वो मुझे छोड़ ना दे, फियर ऑफ रिजेक्शन कि मुझे हटा ना दे अपनी लाइफ से, बस एनी हाउ चाहे रिलेशनशिप कितनी ही खराब क्यों ना हो बट वो मुझे अपने साथ रख ले, मतलब जहां तुम जाओगे ना मैं वहीं जाऊंगी चाहे तुम कितने ही गलत इंसान हो, ऐसी मेंटेलिटी, ऐसा माइंडसेट बन जाता है जब हम किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट होते हैं। अब इस कोडिपेंडेंसी को हटाने के लिए हम करें क्या? पहली चीज है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ठीक है, और आप ये भी समझें कि सामने वाले की इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, आपकी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके इमोशन तक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके इमोशंस को हैंडल करना और उनको सेफ गार्ड करना या फिर उनको बैलेंस रखना नहीं है। देखिए हर इंसान ना इस धरती पर अपने अलग 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 लेसन्स लेकर आया, आप अपने लेसन्स लेने के लिए आए हैं, सामने वाला पर्सन अपने लेसन्स लेने के लिए आया है, और हर किसी की जर्नी ना टोटली डिफरेंट है। आपकी जर्नी डिफरेंट है, सामने वाले पर्सन की जर्नी डिफरेंट है, हो सकता है सामने वाला आपके लाइफ में इसलिए आया है ताकि वो आपको ट्रिगर करे, वाउंडेड करे, आप अपने लेसन्स लर्न करें इस जर्नी में, हो सकता है सामने वाला पर्सन आपसे कुछ लर्न करने आया है। तो अगर हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं अभी, तो देयर आर कार्मिक लेसन्स, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ लर्न करना है। तो आपको अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ये सोचकर कि इस सामने वाले बंदे को अगर बुरा लग रहा है ना तो इसको अपना लेसन लर्न करना चाहिए, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपको अपने लेसन लर्न करना चाहिए। तो मतलब दोनों के इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खुद की है। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने इमोशन की, आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी का लाइफ पाथ टोटली डिफरेंट होता है। सेकंड चीज की अपने ना एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए। एक इंसान के साथ रह रह के कुछ
एक टाइप के लोगों के साथ रह रहकर जो है ना हमारा माइंडसेट, हमारा सब कुछ ना उनके जैसा हो जाता है, हमारा खुद का कुछ भी नहीं होता, मतलब सब कुछ बड़ा इंटरमिंगल हो जाता है, आपका खुद का कुछ सेंस नहीं है, कुछ ऑथेंटिक जो है ना रियल जो सेल्फ होता है ना जिससे आप ही कनेक्टेड होते हो वो कुछ नहीं होता, आपका सब कुछ इंटरमिंगल होता है, जो उनका है वो आपका है, सबका एक जैसा माइंडसेट है जो कि होना नहीं चाहिए, बट बहुत टाइम एक साथ गुजारने के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप भी एकदम डिटो कॉपी लगने लग जाते हैं, आपके पूरे परिवार की मेंटालिटी एक जैसी ही हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको कोडिपेंडेंसी से बाहर आना है तो उस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा बाहर आइए, आउट ऑफ द बॉक्स आकर थोड़ा सोचिए, धीरे धीरे कीजिए, गो वेरी स्लो, लाइफ में थोड़ा सा चेंज लेकर आइए, बट चेंज शुड बी वेरी स्लो, क्योंकि सामने वाले पर्सन को पता नहीं चलना चाहिए कि आप बदल रहे हैं, एल्स वो थोड़ा सा ट्रिगर हो सकते हैं। तो आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए, आपको क्या पसंद है वो करना शुरू कीजिए, आप अपने सेल्फ केयर करना शुरू कीजिए, अपने कप को पहले फिल करना शुरू कीजिए, बिकॉज यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एम्प्टी कप। अगर रिक्वायर्ड हो तो सामने वाले को अवेयर करवाइए कि मुझे जरूरत है अपने सेल्फ केयर की, एल्स मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई विल क्रैश, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अपनी सेल्फ केयर कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि ऑथेंटिसिटी को अपनाइए, स्टार्ट बीइंग ऑथेंटिक, स्टार्ट सेइंग नो, जो नहीं चीजें पसंद आ रही है वहां पर धीरे धीरे करके स्लो, वेरी स्लो चेंज कीजिए, बट ना कहना शुरू कीजिए, ना जो होगा ना आपकी एक बाउंड्री सेट करना शुरू करेगा। और उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या पसंद नहीं है, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में और क्या नहीं चाहते। जब आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा हु आई एम एंड व्हाट आई नीड एंड व्हाट आई वांट टू डू, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पता चलेगा अगर मुझे ये करना है ना तो मुझे ना बोलना सीखना होगा, एल्स आई विल बी एवरीवेयर, आई विल बी लॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको अपना फ्रेम स्ट्रांग बनाना है। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है कि हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रांग फ्रेम, तो प्लीज जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो स्ट्रॉन्ग फ्रेम, जितना आपका स्ट्रॉन्ग फ्रेम होगा ना उतना कम आपको बहकर जाना पड़ेगा, मतलब आप इंक्लाइन नहीं होंगे दूसरे पर्सन की ओर। तो ये स्ट्रॉन्ग फ्रेम हम बनाते हैं अपनी वैल्यूज को एक्सप्लोर करके, अपनी वैल्यू को जाने कि आपकी लाइफ की वैल्यूज क्या है, जो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, वैल्यूज और नॉन निगोशिएबल, कौन सी चीजें हैं जिनको आप नेगोशिएट नहीं कर सकते नो मैटर व्हाट, चाहे कोई भी इंसान हो आपके सामने बट आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो आपका स्ट्रॉन्ग फ्रेम बनता है आपके वैल्यूज से, आपके नॉन निगोशिएबल से, आपकी बाउंड्री ना बोलने से। तो जितना आपका कोर स्ट्रॉन्ग होगा ना उतना कम आपको जरूरत पड़ेगी दूसरों को प्लीज करने की, उतना कम आपको फर्क पड़ेगा कि दूसरे क्या फील कर रहे हैं, अगर उन्हें बुरा लग रहा है तो आपको बुरा लगेगा, ये सब चीजें खत्म हो जाएगी जब आपका कोर स्ट्रांग होगा। तो गाइज आपको समझ आया होगा आज के वीडियो में कि जब हमारे पास खुद के पास कुछ नहीं होता ना, जब हमारा ऑथेंटिक सेल्फ कहीं ना कहीं दबा होता है, तो हमें कोडिपेंडेंट होने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम दूसरों से फेवर ले रहे हैं। इट डजंट मीन कि हम उनको सिर्फ दे रहे हैं, इट मीन कि एक डायनेमिक चल रहा है, जब आप दे रहे हैं ना तो बदले में ना आपको वैलिडेशन, कनेक्शन, प्यार, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिल रहा है। तो एक डायनेमिक है, अगर आप अपने आप को चेंज कर लोगे ना रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यू आर द वेरिएबल, है ना, आप यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है। अगर आप खुद को चेंज करेंगे ये जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा। आई होप आपको आज के वीडियो में समझ आया, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।